समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया है। उन्होंने प्रत्याशी तय करने के लिए सपा के शहरी क्षेत्रों में जीते विधायकों से कहा है कि वह निकाय चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर काम करें। इन्हें अपने क्षेत्र में वोटर लिस्ट को भी दुरुस्त करवाने का काम करना है। सपा मुख्यालय में अखिलेश ने मंगलवार को कई घंटे अलग अलग नेताओं के समूह से मुलाकात कर निकाय चुनाव की तैयारी व उनके क्षेत्र में पार्टी की संभावनाओं के बारे में जानकारी ली। हालांकि अभी निकायों में सीटों का आरक्षण तय होना बाकी है, लेकिन तमाम नेताओं ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। विभिन्न जिलों से आए दावेदारों ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा। इस बीच सपा के भंग संगठनों का पुनर्गठन करने की तैयारी है। यह काम निकाय चुनाव से पहले हर हाल में किया जाना है। सपा की बैठक में चुनाव आयोग को भेजे जाने वाले जवाब के बाबत भी चर्चा हुई। जिलाध्यक्षों की ओर से भेजे जा रहे दस्तावेजों की अब जांच की जा रही है। सपा ने 3 तारीख तक संबंधित जिला अध्यक्षों से वोटर लिस्ट के नाम काटे की सबूत में शपथ पत्र भेजने को कहा। इस बाबत सपा के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि मतदाता सूची से जानबूझकर अधिकारियों के नाम काटे गए थे। हम अगले 2 दिनों में सभी सबूतों को समाजवादी पार्टी कार्यालय में जमा करा देंगे। अगर इनमें सच्चाई है तो चुनाव आयोग चुनावों को रद्द करे और लोकसभा के साथ विधानसभा के दोबारा चुनाव कराए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।